सहकारी समिति एवं साझेदारी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। अब अंतर का पहला आधार हम अधिनियम लेते हैं तो सहकारी समिति में देखें तो इसकी स्थापना अधिनियम 1912 अथवा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत हुई। और साझेदारी में देखें तो साझेदारी जो व्यवसाय है उसका नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है। दूसरा अंतर का आधार हम पंजीकरण लेते हैं तो इसका पंजीकरण अनिवार्य है और साझेदारी में देखें तो इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। पारस्परिक लाभ देखें तो सहकारी समिति में इसका लाभ सदस्यों के साथ बाहरी व्यक्तियों को भी होता है, जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति से गैर सदस्य भी माल क्रय कर सकते हैं। और साझेदारी में इसका लाभ केवल साझेदारी तक ही सीमित होता है। चौथा अंतर का आधार उद्देश्य लें तो इसका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले न कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करना है। और साझेदारी देखें तो इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाएं करके लाभ अर्जित करना है। पांचवा और अंतिम अंतर का आधार हम सदस्यों की संख्या लेते हैं तो सहकारी समिति में देखें तो न्यूनतम 10 सदस्य, अधिकतम सहकारी साख समिति में 100 तथा अन्य समितियों में कोई प्रतिबंध नहीं है। और साझेदारी में देखें तो बैंकिंग के लिए हमने देखा है कि न्यूनतम से अधिकतम 10 और सामान्य व्यवसाय में न्यूनतम 2 और अधिकतम 20। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो सहकारी समिति और साझेदारी है उसमें अंतर को जाना। सहकारी समिति और साझेदारी में अंतर को जानने के बाद हम देखते हैं सहकारी समितियों के प्रकार और उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। सहकारी समितियों के प्रकार देखते हैं। आइए सहकारी समितियों की अगर हम प्रकार देखें, पहला भाग है उपभोक्ता सहकारी समितियां, जिसे इंग्लिश में हम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। दूसरा है उत्पादक सहकारी समितियां, जिसे इंग्लिश में हम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। तीसरा भाग है सहकारी विपणन समितियां, इंग्लिश में हम इसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज कहते हैं। चौथा भाग है सहकारी साख समितियां, इसको इंग्लिश में हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज कहते हैं। पांचवा भाग है सहकारी खेतिहर समितियां, इसे इंग्लिश में हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज कहते हैं। और छठवां भाग है सहकारी गृह समितियां, इसे इंग्लिश में हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन सभी समितियों के क्या मुख्य कार्य हैं और उनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। अगर हम सबसे पहले लेते हैं उपभोक्ता सहकारी समिति को, तो इसकी स्थापना करने वाले यानी क्रिएटर्स को जानते हैं कि कौन है। इस समिति के जो क्रिएटर हैं वो हैं उपभोक्ता, जो व्यापारियों एवं दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? मध्यस्थों को हटाना, वस्तुओं की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करना और अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, ये इनके उद्देश्य हैं। और अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य है इनके थोक विक्रेताओं अथवा उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदना। दूसरा मुख्य कार्य क्या है? सदस्यों को उचित माल की बिक्री करना। और अन्य विशेषताएं अगर हम इनकी देखें तो पहली विशेषता है गैर सदस्य भी माल क्रय कर सकते हैं, और दूसरी है कि माल की कमी में सदस्यों को क्रय में प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी विशेषता है कभी कभी सदस्यों को विशेष छूट दी जाती है। आइए अब दूसरी सहकारी समिति के बारे में जानते हैं। दूसरी सहकारी समिति है उत्पादक सहकारी समितियां। अब इनकी स्थापना देखते हैं कौन करते हैं। इनकी स्थापना जो है छोटे उत्पादक, जो उत्पादन सामग्री की प्राप्ति व उत्पाद की बिक्री में कठिनाई महसूस करते हैं, वे करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका पहला उद्देश्य है उत्पादन सामग्री यानी कच्चा माल, औजार, मशीन इत्यादि उपलब्ध कराना। और दूसरा उद्देश्य क्या है? माल की बिक्री में माल बेचने के लिए सहायता करना। इनका मुख्य कार्य है सदस्यों के लिए कच्चा माल, औजार, मशीनें आदि क्रय करना और अन्य लोगों को सदस्यों से माल क्रय कराना। और इनकी विशेषताओं पर अगर हम आए तो विशेषताएं हैं इस प्रकार। उत्पादन सामग्री के प्रबंध एवं बिक्री
समस्याओं से निश्चित होने के कारण, और दूसरी विशेषता है छोटे उत्पादक अब उत्पादन क्रियाओं पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। तीसरी, अब हम आते हैं सहकारी समिति की ओर, जो कि है सहकारी विपणन समितियां। इनका अगर स्थापना हम देखें तो छोटे उत्पादक एवं दस्तकार जो अपने उत्पादों को अकेले उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं, ये इनके क्रिएटर्स होते हैं। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना, सदस्यों को मध्यस्थों के शोषण से बचाना, ये इनका उद्देश्य है। मुख्य कार्य की बात करें इनकी तो सदस्यों से माल एकत्रित करना, एकत्रित माल को उचित मूल्य पर बेचना, और साथ ही साथ व्यापारिक व्यवहार में आने वाली कमी का ध्यान रखना, अर्थात कम नाप और तोल तथा लेखे की गड़बड़ न होने देना। अब इनकी विशेषताओं को देखते हैं तो पहली जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार है, इनसे सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है। दूसरी है, कभी कभी ये समितियां सदस्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। तीसरी है, ये यातायात, भंडारगृह, पैकिंग व विपणन अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान करती हैं। और चौथी है कि विक्रय से प्राप्त धनराशि में से खर्चे एवं कोष आदि की राशि काटकर शेष धन को सदस्यों के माल के अनुपात में बांट दिया जाता है। चौथी और अगली हम सहकारी समिति की ओर चले तो सहकारी साख समिति है ये, और अब इनके क्रिएटर्स देखें तो सामान्य लोग जो हैं इनकी स्थापना करने वाले या क्रिएटर हैं। और इनका अब उद्देश्य देखें तो इनका उद्देश्य है सदस्यों को साहूकारों के चुंगल से छुटकारा दिलाना, सदस्यों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना। और इनके मुख्य कार्य देखें तो जमा स्वीकार करना, सदस्यों को उचित ब्याज की दर व आसान शर्तों पर ऋण प्रदान तथा बाहरी लोगों द्वारा कराना। और इनकी विशेषताओं को देखें तो इन समितियों के कोष के तीन स्रोत होते हैं, अंश पूंजी, सदस्यों द्वारा जमा किया गया धन तथा बाहरी लोगों द्वारा जमा किया गया धन। और दूसरी जो विशेषता है वो कभी कभी ये समितियां गैर सदस्यों को भी ऋण प्रदान करती है। आइए अब हम देखते हैं पांचवी सहकारी समिति, जो कि है सहकारी खेतीहर समितियां। जो इनके क्रिएटर हैं वो है छोटे किसान, और उनका उद्देश्य है बड़े पैमाने की कृषि की मितव्ययताएं प्राप्त करना, और दूसरा उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, तीसरा उच्च क्वालिटी का बीज व खाद। और अब हम इसकी अगर मुख्य कार्य को देखें तो मुख्य कार्य है सदस्यों के भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना और आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। अब हम इनकी विशेषताओं की ओर चलते हैं तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, ये समितियां सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से होने वाले हानियों से छुटकारा दिलाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। अगली और अंतिम सहकारी समिति की ओर चलते हैं, जो कि है सहकारी गृह समितियां। अब इनके जो क्रिएटर हैं हम उनको देख लेते हैं, सामान्य लोग जो रिहायशी मकान प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग हैं, और इनका उद्देश्य है सदस्यों को रिहायशी मकान अथवा प्लॉट उपलब्ध कराना। इसके बाद इनका मुख्य कार्य है भूमि क्रय करना, भूमि का विकास करना, मकानों का निर्माण करना, मकान सदस्यों को अलॉट करना, साथ ही साथ यदि मकान के स्थान पर प्लॉट दिए जाने हो तो प्लॉट आवंटन करना। अब इनकी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो पहली विशेषता है कि ये समितियां प्रायः बड़े शहरों में स्थापित होती है, इन्हें भूमि रियायती दर पर प्राप्त होती है, समितियों के मकानों में प्रायः सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और कुछ सहकारी समितियां अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर ऋण भी प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने सहकारी समितियों के प्रकार जाने और उनके उद्देश्य, मुख्य कार्य, उनकी विशेषताओं के बारे में जाने। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको ये जो अध्याय है वो समझ में आया होगा, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप अर्थात
एकाकी स्वामित्व है ना, एकाकी स्वामित्व के, साझेदारी के और सहकारी संगठन के, तो ये तीन जो प्रारूप हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनकी विशेषताएं और साथ साथ इनके लाभ या हानियां भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगी।